तो कैसे हो गाइज़, आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गुड इवनिंग गाइज। और आज का वीडियो जो है, मैं सबसे पहले जो है अपना ऑनलाइन शॉपिंग वीडियो का जो है एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो कि सबसे पहले अमेजोन का है। ये पैकेट मुझे आज ही रिसीव हुआ है। मैं और वन मिनट, तो अभी मैंने निशु को हलवा बना के दे दिया है। निशु हलवा खा रहा है। तो चलिए मैं सबसे पहले अपना अमेजोन का जो है एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ये एक मैंने डबल बेड की चद्दर मंगाई है और ये मुझे मिली है 300 में जो विद पिलो कवर के साथ मिली है, और बहुत अच्छा है। इसका स्टफ भी बहुत अच्छा है। तो मैंने जो है मिक्स वाला कपड़ा मंगाया है, बहुत अच्छा है। इसका प्रिंट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये है दो पिलो कवर और ये है चद्दर। तो मैं इसे बिछा के भी आपको दिखा दूँगी। और ये मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, जो कि निशु का वाटर बॉटल है। और वॉलेट और बेल्ट जो है ये लेके गए हैं अपने साथ, पहन के गए हैं बेल्ट और वॉलेट। और ये इनका एक शूज रिसीव हुआ है मुझे कल, और ये है और इनका है 8 नंबर साइज़ है। थोड़ा सा बड़ा आ गया है, इन्होंने पहन के देखा। एक्चुअली इनको 7 नंबर आता है, लेकिन ऑनलाइन इन्होंने 8 नंबर मंगाया है। बट सॉक्स के साथ जो है बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं इसका पैटर्न और डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। और लेकिन गाइज एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ऑनलाइन जैसा प्रोडक्ट दिखता है वैसा सेम हमें रिसीव नहीं होता है। एक्चुअली जूता जो इन्होंने पहले मंगाया था वो जो है जूते की जगह पे उन लोगों ने कुछ और भेज दिया था, कोई और जूता। उन्होंने स्पोर्ट का जूता ऑर्डर किया था और उन्होंने इतना घटिया जूता भेज दिया था। फिर हमने उससे जो है रिटर्न भेजा, तो रिटर्न हो गया, इजी रिटर्न हो गया। और मैंने एक किचन के लिए अपने मिक्सी मंगाया था, वो भी पूरा प्रॉपर टूटा हुआ था, वो भी रिटर्न हो गया। गाइज अभी मिक्सी तो मैं ऑनलाइन नहीं मंगाने वाली, मैंने सबसे पहले जो है मिक्सर ही मंगाया था, क्योंकि मेरे पास अभी मिक्सर नहीं है। मैंने अपने पुराने वाले घर में अपना मिक्सर जो है छोड़ दिया था, भूल गई थी मैं लाना, तो मैं दोबारा लेने के लिए गई भी नहीं। तो ये है इनका शूज़ और ये 3 आइटम्स अभी है। बेल्ट और वॉलेट जो है मैंने मंगाया था अपनी तरफ से, और ये जो है लेके गए हैं। और ये जो अमेजोन की जो शॉपिंग हुई है गाइज, ये कार्ड पे हुई है। और यहाँ पे मेरे कुछ लग गया है, उसके बाद करते हैं एन वाई के जो है लिप क्रियोल लिपस्टिक का। और इसका शेड मैंने लगाया है गाइज, बहुत ही अच्छा देख सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं, मैंने शेड नंबर 16 मंगाया है, 16, और बहुत अच्छा कलर है। अगर आपका जो है फेस जो है फेयर है ना, आपका कलर जो है फेयर है ना, तो ये 16 नंबर जो है ना बहुत ही अच्छा कलर है गाइज। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पहले 3 दिन इसको, ये देख सकते हैं ये मेरा 3 दिन पहले रिसीव हुआ था और इसको मैंने यूज़ किया है। और रेंज वाइज बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, आपकी रेंज में है, आपके पॉकेट फ्रेंडली है, आपके बजट में हो सकता है ये। मतलब बाहर अगर मैं यही चीज़ लेने के लिए जाऊँ, अगर अच्छा लिपस्टिक तो 400-500 के आ जाते हैं इजली, लेकिन अच्छा है, अफोर्डेबल है जो है। purple.com जो है कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ग्रो कर चुकी है। तो सबसे पहला है NY का ये लिपस्टिक लिप क्रियोन, और ये शेड नंबर मेरा 16 है, बहुत ही अच्छा है। इसका लिंक मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने के लिए, क्योंकि मैं फ़ोन से ही एडिटिंग करती हूँ और फ़ोन से ही वीडियो अपलोड करती हूँ, तो सारा लिंक जो है नहीं जाता है, वो एडिटिंग जो है नहीं लेता है, वीडियो जो मेरी अपलोड नहीं होती। उसके बाद मैंने SQ का ये वाला फाउंडेशन मंगाया है अपने फेस के कलर के हिसाब से, बहुत अच्छा है। मैंने इसे भी 3 दिन से यूज़ किया है गाइज, बहुत ही अच्छा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं लिक्विड फाउंडेशन है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, टू गुड है। और सिलेक्ट सेंट इसका नंबर है, ढक्कन के ऊपर आप देख सकते हैं 1 लिखा हुआ है, तो इसमें कोई शेड नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो यही है। और ये कोई कोड दे रखा है, तो SQ का ये वाला फाउंडेशन मैंने मंगाया जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने गुड वाइब्स का ये वाला ऑयल मंगाया है, हेयर सीरम मंगाया है जो कि हेयर फॉल के लिए होता है, बहुत अच्छा है। और ये मैं हेयर सीरम है ना कि ऑयल है, बट यहाँ पे ऑयल लिखा हुआ है, तो ये 2-in-1 है, ऑयल भी है सीरम भी है। बट मैंने ऑयल मंगाया था, ये हर्बल्स है, बहुत अच्छा है। और ये अर्गन ऑयल है, अर्गन ऑयल का ये है, ये पूरा बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है गाइस। और कुछ लोग कहते हैं पर्पल की चीज़ें अच्छी नहीं होती, लेकिन गाइस मैं पर्सनली बता रही हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सच में मैं purple.com की जो पर्पल की फ़ैन हो गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले आज मेरा जो है इसका 4th दिन है, और मैं इसका जो अब जाके रिव्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक इसका रिव्यू नहीं किया था,
और मैंने पहले से 4 दिन जो है यूज़ किया, मुझे लगा कि पहले मुझे अच्छा लगेगा तो ही मैं इसका रिव्यू करूँगी, तो बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा रिव्यू है गाइज़, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो पर्पल की जितनी भी चीज़ें हैं आई होप कि सारी चीज़ें अच्छी होगी, तो ये है। और मैं कोशिश करूँगी कि अगर आपके बालों में हेयर फॉल वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप ये वाला मंगा सकते हैं, मैंने ट्राई किया है, बहुत अच्छा। अभी मेरा एकदम से तो हेयर फॉल रुक नहीं जाएगा, अभी मुझे इसे यूज़ करते हुए सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं। उसके बाद मैंने मंगाया है नीम तुलसी का गुड वाइब्स का स्क्रब, ये वाला जो कि बहुत ही अच्छा है गाइस। इसकी स्मेल मैं आपको दिखा दूँ, और इसकी पैकेजिंग मैंने अभी खोली नहीं है, अभी जस्ट मैंने खोली है, आज ही मैंने इसको यूज़ किया, ये देख सकते हैं। और इसकी पैकेजिंग और क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। नीम तुलसी का जो स्किन स्क्रब है ये बहुत ही अच्छा है गाइस, मैं आपको इसकी मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में इसकी स्क्रबिंग की थी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था, बहुत अच्छा, स्किन काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई थी। तो अगर आप स्क्रबिंग के लिए सोच रहे हैं तो आप जो है गुड वाइब्स का ये वाला नीम और तुलसी वाला मंगा सकते हैं, सच में कह रही हूँ गाइस, ये नीम तुलसी का बहुत ही ज़्यादा, अगर आपके फेस पे कुछ दाने वाने भी है ना तो वो भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, कि आपको पता नीम और तुलसी दोनों ही बहुत ही कारगर होते हैं बीमारियों के लिए, हर चीज़ के लिए। अगर आप नीम और तुलसी को देखते हैं जो है तुलसी की पत्तियाँ लोग चाय में भी डाल के पीते हैं, बहुत सारी चीज़ में जो है तुलसी का यूज़ होता है, और नीम आपको सबको पता, अगर कोई फोड़े फुंसी वगैरह हो जाते हैं तो उसकी जो नीम की जो सूखी डंडियाँ होती है उसको लोग घिस के वहाँ पे लगाते हैं तो ठीक हो जाता है। ये पुराने ज़माने के लोग ऐसे ही करते थे, पहले के लोग, क्योंकि मैं भी जब छोटी थी तो मेरे को कुछ यहाँ यहाँ पे दाने हो जाते थे, जैसे फुंसी हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, मुहासे बोलते हैं ना आप लोग मुहासे, तो बहुत लोगों को मुहासे हो जाते थे, पहले के लोगों को जब मुहासे होते थे तो जो ये नीम की जो सूखी लकड़ियाँ होती है उसको घिस लेते थे, तो उसमें कुछ रेड रेड सा लिक्विड निकलता था तो उसी को लगा लेते थे, और अगले ही दिन वो बिल्कुल सही हो जाता था पूरे जितने भी हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, इसीलिए मैंने नीम और तुलसी को चुना है, क्योंकि नीम और तुलसी बहुत ही अच्छा होता है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और फेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है गाइस। तो मेरे सजेशन पे अगर आप लोग फेस स्क्रब सोच रहे हो ना तो प्लीज़ गाइस नीम और तुलसी को मंगाइए, और गुड वाइब्स के प्रोडक्ट जो है ना गाइस बहुत ही अच्छे हैं, और ये बिल्कुल आपके अफोर्डेबल रेंज में आएगा। और उसके बाद मैं एक पर्पल से मैंने ये कलर बार का ये वाला मस्करा मंगाया है, जो कि ये भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं मैंने इसे अप्लाई किया आज और काफ़ी हाई ग्रो दे रहा है ये मेरे लेसेस को, बहुत ही अच्छा। और इसका दोनों तरफ ये है, आप देख सकते हैं कितना डार्कनेस है, और ये देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है ये, तो ये 2-in-1 है, देख सकते हैं दोनों तरफ ही है, और ये भी मेरे अफोर्डेबल रेंज में था, बहुत ही अच्छा है गाइस ये वाला। और इसका जो मस्करा का हाई वॉल्यूम देता है, आपके आई लेसेस को कर्ल करता है, हाई वॉल्यूम कर्ल कर देता है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ है, ये मुझे इसका बहुत ही अच्छा लगा। और मैं मस्करा गाइस आपको बता दूं, मैं लोकल मस्करा आज तक नहीं यूज़ किया है, मैं कलर बार या लैक्मी का ही मस्करा यूज़ करती हूँ, तो इस बार मैंने कलर बार का ये पर्पल से ही मंगा लिया। तो गाइस ये हो गया मेरा ऑनलाइन शॉपिंग की बात, अब मैं आती हूँ ऑफलाइन पे, तो चलिए मैंने आज ऑफलाइन क्या शॉपिंग करी वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ गाइस। इन सभी का लिंक मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो गाइस प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, और आपको बता दूँ ऐसे मैं जैसे लाइफ जीती हूँ ना, मुझे अपनी लाइफ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी लाइफ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल फ्रीडम हूँ, खुश हूँ, आज़ाद हूँ, और जैसी मुझे अपनी लाइफ जीनी चाहिए मैं वैसी लाइफ जीती हूँ, मुझे अपने लाइफ में किसी का भी इंटरफेयर जो है बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं अपनी लाइफ ऐसे ही जीती हूँ। और शायद जितने अच्छे तरीके से मैं अपनी लाइफ जीती हूँ, जो मेरा मन करता वो मैं पहनती हूँ, जो मेरा मन करता वो मैं खाती हूँ, जैसे भी मुझे अपनी लाइफ जीनी होती है मैं वैसे ही जीती हूँ, मेरे को किसी का भी कोई बाउंडेशन नहीं है अपनी लाइफ के लिए। हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है लाइफ है गाइज, अगर लाइफ जो है एक जैसा ही चलेगा ना तो मतलब लाइफ में सिर्फ सुख सुख ही रहेगा, तो बेचारी दुख कहाँ जाएगी, तो दुख का भी आना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। तो ये हो गया मेरा पर्पल की कुछ शॉपिंग ऑनलाइन, और ये हो गया अमेजोन की शॉपिंग गाइज। अमेजोन की शॉपिंग के लिए मैं बता दूँ, हम लोगों ने 1 रुपये भी पे नहीं किया है, हमने कुछ भी पे नहीं किया है, ये सारी शॉपिंग हमारी फ्री में हो रही है, और ये इनके प्रमोशन के साथ ही मिला था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी, शेयर भी कर दूंगी कि वो क्या चीज़ है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में।
हाय गाइस, तो मैं चाय और ब्रेड, मक्खन ब्रेड, बहुत दिन से मेरा मक्खन ब्रेड खाने का मन कर रहा था, बहुत दिन से नहीं सुबह तो बहुत दिन से सुबह से मेरा चाय मक्खन ब्रेड खाने का मन कर रहा था। अभी मैं मार्केट से आई हूँ, मेरी शक्ल देख सकते हैं, मेरा थोबड़ा देख सकते हैं, बिल्कुल बैंड बजा पड़ा है। उसका भी मैं सारा रिव्यू दिखाऊंगी आपको कि क्या है क्या नहीं है। और गाइस, अभी आपको पता है कि अभी मेरा विशाल से भी शॉपिंग हॉल आप लोगों ने देखा होगा, तो मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एक चीज़ YT पे देखी है कि पहले तो ये कुछ यूट्यूबर जो हैं पहले तो सब्सक्राइबर गेन कर लेते हैं, सब्सक्राइबर ले लेते हैं और व्यूज़ आने लगते हैं, उनके अच्छे खासे व्यूज़ आने लगते हैं, तो वो फिर अपने ही व्यूवर्स को जो है गलत चीज़ें बोलते हैं, गालियाँ निकालते हैं। मतलब YT पे आके मतलब इस तरीके से पब्लिक की गाली देना या फिर ये मतलब अजीब सा लगता है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए यूट्यूबर को। और एक चीज़ और भी बोल देना चाहती हूँ मैं, अभी मैंने एक लाइफ ऑफ प्रीति के लिए एक वीडियो अपलोड की थी, क्योंकि मैं उनकी सब्सक्राइबर हूँ, मैं उनकी व्यूवर्स हूँ, मैं उनके अच्छे के लिए मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। मैंने कुछ उनको गलत नहीं बोला, कुछ गालियाँ नहीं निकाली जो मुझे कोई भी आके उल्टा सीधा कमेंट्स कर रहा है गाइस। तो मैं जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया है, मैं उनका कमेंट्स भी यहाँ पे जो है आपको स्क्रीन पे लगा देती हूँ कि मेरे को क्या बोला गया है। और पहली बात तो देखो, मैं किसी को गाली नहीं निकालती हूँ और मुझे भी गाली सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं चादर लेने के लिए सोच भी रही थी, सॉरी मैं अपने बात से भटक गई। तो एक बात बताइए, मैंने उनके लिए क्या बोला है? उनको प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है ये बता दीजिए। मतलब मैंने जिसके लिए बोला है उसको प्रॉब्लम नहीं है YT पे आके, ये बात तो हकीकत है। लोग आपको हकीकत दिख जाएगी, लेकिन ये पता है व्यूवर्स की गलती है, जो व्यूज़ जो लोग देते हैं ना उन लोगों की गलती, जो लोग मतलब आपको इतने अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं YouTube के अंदर, YT पे इतने एक से बढ़कर एक क्रिएटर है जो अपनी इतनी मेहनत को दिखाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, उनके पास व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे, वो किसी ना किसी का तो नाम यूज़ करेंगे ना गाइस। लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको तो आप लोग ना व्यूज़ देते हो ना कुछ देते हो, तो फिर वो लोग क्या करेंगे, वो किसी का नाम यूज़ करके आगे जाने की तो कोशिश बिल्कुल करेंगे गाइस। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है? आप जिनको प्यार करते हो, जिनको सब्सक्राइब करते हो, और जब बाद में आपको उनकी सच्चाई पता चलती है तो भी आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों को चाट मसाला देखने में मजा आता है। लेकिन जो सीधा साधा लोग है, अपना ब्लॉग बना रहा है, आपको एक से बढ़कर एक चीज़ें दिखा रहा है, शॉपिंग दिखा रहा है, बाहर की चीज़ें दिखा रहा है, हर एक चीज़ से आपको रूबरू करा रहा है, हर आपको DIY वीडियो शेयर कर रहा है, आपको उन लोगों की मेहनत नहीं दिखती है, ये आप लोगों की गलती है। आप लोग जो है ना ये करते हो, मतलब जो बंदा आगे जा रहा है उसी को सपोर्ट करते हो गाइस। जो नए लोग हैं उनको भी सपोर्ट करो यार, वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। मैं जानती हूँ जितने भी न्यू क्रिएटर हैं वो मेरे इस बात से पूरी तरीके से एग्री करेंगे गाइस। आप लोग सबको सपोर्ट करो, ऐसा नहीं है कि बस किसी एक ही की पूछ पकड़ ली आप लोगों ने, अच्छा आज क्या होने वाला, अच्छा आज क्या होने वाला, एक ही चीज़ मतलब पता नहीं कैसे गाइस आप लोग देख देख के बोर ही नहीं हो जाते। और मैं तो 110% एक ही चीज़ देख देख के पक गई हूँ, बोर हो गई हूँ कि YT पे मतलब चल क्या रहा है। पहले बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती थी गाइस, मैंने तो अपना मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को जरा सा भी टाइम मिलता है ना अगर YouTube देखने का, तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैंक वीडियो देखती हूँ, जिससे मेरा मन बहुत अच्छा हो जाता है, मेरा दिन अच्छा हो जाता है। हंसी वाली चीज़ें देखती हूँ कि वो प्रैंक में कितना मेहनत करते हैं, वो बाहर पब्लिक ही जाके प्रैंक करते हैं। आप जाके देखो प्रैंक वीडियो, VJ पवन सिंह है, पवन सिंह के आप जाके ब्लॉग देखो, कितने बढ़िया ब्लॉग होते हैं उनके, 1.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ठीक है गाइस। और जिन और भी एक दो बड़ी यूट्यूबर हैं जिनका 1 मिलियन में सब्सक्राइबर है, और कैसे कैसे वो लोग चीज़ें करते हैं, क्या क्या करते हैं, मतलब YT पे आए हैं कुछ अच्छा दिखाओ यार, एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हो आप खुद, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं ये बताओ, नए क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं, नए क्रिएटर्स किसी को गाली निकाल रहे, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे, कुछ ऐसा नहीं कर रहे। नए क्रिएटर्स जो है ना अपना सच में काम कर रहे हैं गाइज। और एक दिन बता दूं कि जिन लोगों को बड़े होने की गलतफहमी है ना, उनकी गलतफहमी बहुत जल्दी ये हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। कुछ लोग जो बहुत बड़े बड़े भी हो गए हैं, उनकी आप रियल लाइफ देख लो और रील लाइफ भी देख लो, दोनों लाइफ देख लो, एक होता है रील लाइफ और एक होता है रियल लाइफ, दोनों ही लाइफ में आपको जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा जब ये
बोलने पे आते हैं तो ये कितना गलत बोलते हैं, कितना गंदा बोलते हैं, पब्लिक को कितना गलत बोलते हैं, व्यूवर्स को कितना गलत बोल देते हैं, सब्सक्राइबर को कितना गलत बोल देते हैं। और गाइज आपको बता दूँ, ये बड़े जो है ना, जितने भी आगे जा चुके हैं किसी का भी नाम यूज़ करके, ये अपने दिन भूल जाते हैं कि ये भी शायद किसी ना किसी का नाम यूज़ करके आगे गए हैं। लेकिन आज जब कोई नया क्रिएटर इनको सपोर्ट करने के लिए बोलता है तो ये कभी भी सपोर्ट नहीं करते गाइज, कभी भी किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, कुछ भी नहीं करते हैं। ये सोचते हैं, इनको डर होता है, जितने भी बड़े हो गए ना, पता बड़े लोगों को किस चीज़ का डर होता है, छोटे लोगों को गाइस कुछ खोने का डर नहीं होता, बड़े लोगों को हमेशा डर होता है कि आसपास क्या हो रहा है, वो ज़्यादा ही टेंशन लेते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, कोई मुझसे ये ना हो जाए, यही सब उनके दिमाग में चलता रहता है। लेकिन जितने भी नए क्रिएटर्स हैं वो अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, YT भी मतलब एक से बढ़कर एक लोग हैं भरे पड़े हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे वो कैसे भी हों, अपने आप को बड़े कहते हैं, बड़े समझते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे उनका बड़कपन कुछ दिखता है। वो वक्त आने पे पब्लिक की गाली भी दे देते हैं और व्यूवर्स को सब्सक्राइबर को भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। गाइस कमेंट्स करने वालों का कोई पकड़ नहीं सकता, गलत कमेंट्स आप देख लो, मेरे पास भी कितने सारे गलत कमेंट्स आते हैं लेकिन मैं इग्नोर कर देती, क्योंकि अगर मैं गलत कमेंट्स लेके बैठूंगी तो शायद मैं अपना कोई काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे आगे क्या करना है मैं कभी आगे नहीं जा पाऊंगी। तो मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, मेरा सारा दिमाग इधर उधर रहता है, मैं एक ही चीज़ के जो है पीछे दिमाग लगा के नहीं बैठ सकती हूँ। तो गाइज मैं सिर्फ व्यूवर्स से इतना कहना चाहती हूँ, सब्सक्राइबर से इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे रियल सब्सक्राइबर हो, जनरल सब्सक्राइबर हो, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक, वीडियो को लाइक कर दिया करो, देखा करो, क्योंकि हम लोग गाइज आपको रियलिटी दिखाते हैं। जो लोग कहते हैं ना हम रियलिटी दिखाते, वो कोई रियलिटी नहीं दिखाते, वो सब फेक होते हैं सब, क्योंकि आप लोगों के सामने खुद हकीकत उन लोगों की एक एक करके आप लोगों के सामने खुद आ रही है। आपको रियलिटी देखनी है तो ब्लॉगर्स, ये क्या नाम है, सोमिली के देखो, इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी के देखो, इनकी वीडियो में आपको रियलिटी मिलेगी। मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस के देख लो, और बी नेचुरल रेखा की वीडियो देखो, आप लोगों को इन लोगों के वीडियो में रियलिटी दिखेगी। ये लोग अपना सच में गाइस मेहनत करते हैं, और जब भी आज इनकी मिलियन सब्सक्राइबर है तो इनके जो सब्सक्राइबर भी है वो भी रियल है, ऐसा नहीं है कि इनके मिलियन सब्सक्राइबर है तो इनको 1000-2000 व्यूज़ आते, तो उनको व्यूज़ भी उसी हिसाब से आते, क्योंकि उनके जो है व्यूवर्स उनसे रियल में प्यार करते हैं और उनके ब्लॉग जो है ना रियलिटी दिखती है। ये नहीं कि कुछ भी यार, YouTube है तो कुछ भी यार, क्या क्या टाइटल लोग डालते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही आगे बढ़ा जाता है, अगर आप लोग यही चाहते हो कि फेक दिखा के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो भैया फेक तो हर किसी को फिर करना पड़ेगा अगर आगे जाना है ज़िंदगी में, आगे जाना। और वैसे भी गाइस आप सबको पता है मैं रियल लाइफ कैसे जीती हूँ, मेरा रियल लाइफ बहुत अच्छा है। मुझे इतना नहीं है कि यूट्यूब आएगा तो ही मेरा दाल रोटी चलेगा, मेरा यूट्यूब से कोई दाल रोटी नहीं चलता। आप सब देखते हो मेरा महीने में 4 से 5 शॉपिंग ही हो जाती है, मैं अपनी लाइफ को हमेशा अलग तरीके से जीती हूँ, और भगवान करे, माता रानी करे कि मेरी लाइफ हमेशा ऐसी ही रहे, और भी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, आप लोगों को वो भी पता चल जाएगा। लेकिन गाइज प्लीज़ सपोर्ट करिए, उन लोगों का सपोर्ट करिए जो आप लोगों को रियल लगते हैं। जो लोग पहले तो स्टार्टिंग में इमोशनल करके ये वो करके आपको पहले सब्सक्राइब गेन कर लेते हैं, व्यूज़ गेन कर लेते हैं, इनका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है, उसके बाद इनकी रियलिटी आपके सामने आ ही जाती है। तो मैं बात कर रही हूँ, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी लव ऑफ प्रीति के लिए, जो कि मैंने बहुत अच्छा बोला है, ना कि बुरा बोला है। तो पहले जो भी मेरे को बोलने से पहले एक बार सोच लो। वैसे भी मैं कमेंट्स पे कोई रिएक्ट नहीं करती, आज मैं फर्स्ट टाइम इतना वो कर रही हूँ, जल्दी रिएक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, और जब मेरे पास अच्छे कमेंट्स आते हैं तो भी मेरे को इतनी वो नहीं होती, जब बुरे कमेंट्स आते हैं तो भी मेरे को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती गाइस, ये तो नेचुरल सी बात है। लेकिन मैं बस यही बात कहना चाहती हूँ कि गाइस जो लोग रियल मेहनत कर रहे हैं, अगर आप उन लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहते हो तो YT पे आप लोग क्या देखते हो, मतलब यही तमाशे वगैरह देखते हो, तमाशे वगैरह को आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज कैसे कैसे टाइटल आप आ रहे हैं, आप खुद ही देख लो पहले के वीडियोज़ में, आपके वीडियोज़ में कितना फ़र्क है। वीडियो देखने हैं तो जाके VJ पवन सिंह के वीडियो देखिए, आपको रियलिटी दिख जाएगी, कितना मतलब रात के उनके वीडियो शूट होते हैं, रात के कितने डेंजरस प्लेस पे वो जाते हैं, और उनके मिलियन में सब्सक्राइबर, उनको लोग प्यार करने वाले इतने। मैं VJ पवन सिंह की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ गाइस, बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ,
और बहुत अच्छे अच्छे उनके प्रैंक वीडियो होते हैं और स्कैरी वीडियो भी उनके बहुत अच्छे होते हैं। उनके ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं जो कि भूतिया ब्लॉग होते हैं। उनके भूतिया प्लेसेस पे जाके उनकी वीडियो शूट होती है। आप देखो कि आप ऐसी ऐसी चीज़ों को देखो कि आपको कुछ सीखने को मिले। पब्लिक की प्रैंक उनकी वीडियो जो है कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है। उनकी एक वीडियो वायरल हो गई थी, बहुत ट्रेन वाली एक वीडियो वायरल हुई थी गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा उस पर कुछ बवाल भी हुआ था। वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग बीजे पवन सिंह को नहीं जानते हैं तो आप, मैं उनका नाम लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लीजिएगा बीजे पवन सिंह के वीडियोस और उनके ब्लॉग देखिए, उनके जो है प्रैंक वीडियो देखिए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलेगा आप गाइस, और उनको प्यार करने वाले लोग मिलियन में है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें देखिए, आप कुछ अच्छी चीज़ें देखिए जो आपको कुछ सीखने को मिले। लड़ाई झगड़ा मार पिटाई गाली गलोच यही सब हो रहा है। हाँ, मैंने भी एक दो वीडियो ऐसे शेयर किया था, लेकिन गाइस अब मेरा कोई ऐसा मेरा इंटेंशन से वीडियो मेरा पहली बात तो जाता ही नहीं है। सब आपको रियलिटी बताऊँ, मेरा कोई भी ऐसा वीडियो गया भी नहीं है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। जो बहुत टाइम पहले की बात है वो अब सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है। और वीडियो में मैं और भी मेहनत करूंगी। मेरे 1000 सब्सक्राइबर थे तो भी मैं खुश थी, 500 थे तो भी मैं खुश थी, और आज 2000 है तो भी मैं बहुत खुश हूँ गाइज। मेरा जो है जितना है और उतने में मैं खुश हूँ। और अर्थ से लोग फर्श से लोग अर्थ पे भी जा सकते हैं, अर्थ से लोग फर्श पे भी आ सकते हैं गाइज, तो कोई बात नहीं। मैं ऑलरेडी जो हूँ जैसी हूँ, मेरे को अपनी लाइफ के बारे में पता है कि मैं अपनी लाइफ कैसे जीती हूँ और YouTube की भी लाइफ कैसे जीती हूँ, मेरे को दोनों ही पता है। तो बस यही है आज का मतलब वीडियो। और आपको बहुत जल्दी मेरा एक शॉपिंग हॉल वीडियो मिलने वाला है, बिग शॉपिंग हॉल वीडियो, और जो कि सरोजनी नगर का होगा गाइस। तो वेट करिए, बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो वही मिलेगा। तो अभी के लिए बाय बाय, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।